लातेहार जिले के बालूमाथ में पर्यावरण धर्म के तहत विश्वव्यापी पर्यावरण संरक्षण अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पर्यावरण धर्म गुरु वन राखी मूवमेंट के प्रणेता पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल ने अपनी पुत्री शिक्षिका ज्योति कुमारी को पुत्र रत्न प्राप्ति व पोती नैन्सी की शादी के अवसर पर बालूमाथ के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय परिसर में नवरत्न का पौधा लगाकर उत्सव को यादगार बनाया। पर्यावरणविद की पुत्री ज्योति कुमारी शिक्षिका ने 3 दिसंबर को रांची के एक निजी हॉस्पिटल में पुत्र को जन्म दिया है, जबकि नवा बाजार के राजेश जायसवाल की बच्ची नैन्सी की शादी होटल निर्वाणा में चतरा के मनोज जायसवाल के पुत्र अंकित के साथ संपन्न हुई। इस अवसर पर वन राखी मूवमेंट के प्रणेता कौशल ने पर्यावरण धर्म के प्रार्थना के साथ विद्यालय में नवरत्न पौधा लगाते हुए बच्चों को पर्यावरण धर्म के साथ पर्यावरण प्रकृति व प्रदूषण संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां देते हुए उन्हें पौधा लगाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधा का इस्तेमाल कम से कम करने से स्वयं के साथ आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित रहेगी। इस शुभ अवसर पर इटखोरी माँ भद्रकाली के मंदिर में चंदन और बारहमासी थाईलैंड कायम पौधा जायसवाल ने लगाया। विद्यालय के वार्डन शिखा कुमारी ने पर्यावरण के क्षेत्र में पर्यावरणविद कौशल के द्वारा देश विदेश में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों की सराहना की। जन्मदिन के शुभ अवसर पर नानी सरडाली बाजार पंचायत के मुखिया पूनम जायसवाल, छतरपुर पूर्वी से जिला पार्षद अमित कुमार जायसवाल, रोहित जायसवाल, लालमन जायसवाल, शिला देवी, आकाश अरुण जायसवाल, अरविंद जायसवाल, कोमल जायसवाल, अमरेश प्रसाद, वर्षा देवी, अर्चना देवी, पूनम देवी, प्रभात प्रसाद, दिलीप प्रसाद, प्रेम कुमार, देव कुमार प्रसाद, भूषण प्रसाद, अमित कुमार, अविनाश कुमार, कस्तूरबा विद्यालय में सहायक शिक्षिका एलिजाबेथ, कुमुद टोपो, सुषमा कुमारी, रानी कुमारी, पूनम कुमारी, कान्या कुमारी, सुमित कुमारी, देवंती कुमारी आदि शामिल थी। मीठी पानी और प्यास जिंदा रहने के आधार। मेरा मानना है कि पन है तभी हम है, पन नष्ट हो जाएंगे तो सृष्टि का नष्ट हो जाएगा। सृष्टि के नष्ट होने से बचाना है तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म के साथ साथ पर्यावरण धर्म के 8 मूल ज्ञान मंत्र को अपनाना होगा। पर्यावरण धर्म के 8 मूल मंत्र ज्ञान क्या है? प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्मदिन पर, कथा पूजा, श्राद्ध पर, एक कोई भी शुभ कार्य पर एक पौधा लगाकर अपने बच्चे की तरह बचाए। दूसरा, कोई भी व्यक्ति अगर आपके कैंप बारात अगर आया है, कोई भी अतिथि आया है, उनको स्वागत में गुलदस्ता देना है दीजिए, लेकिन उनको एक पौधा भेंट में जरूर दीजिए। तीसरा, जन्म कोई लाचार बीमार व्यक्ति अगर आए, दुर्घटना है, लेट हो गया है, भूखा है, तो अपने मत खाइए, लेकिन उसको जरूर भोजन कराइए। और जल, जंगल, जमीन, जानवर, पक्षी और प्रकृति को बचाने का उद्देश्य है। मेरे बच्चे लोग, पशु पक्षी भी पर्यावरण के अंग हैं। हम खाली नारियल लगाएंगे, बेल लगाएंगे तो पक्षी क्या खाएगा? वो भी हमारा पर्यावरण के अंग है। इसीलिए हम लोग वर्ग पीतल को लगाने का अधिक से अधिक प्रयास करें। इसीलिए हमने आपको थाईलैंड का आम लाया है जो साल में 2 दफे फलेगा। नारियल लगाने को, नारियल तो अपना उपयोग में है, पूजा करने के उपयोग में है, लेकिन एक चंदन घुल गए तो लगता है चंदन का पौधा लाए थे, क्योंकि शुरुआत में अधिकतर चंदन का पौधा मैं देता हूँ। इसलिए चंदन का पौधा देता हूँ कि कोई भी पूजा पाठ करने के लिए आप लोग के इतिहास रहेगा कि हमने जिस स्कूल में पढ़ा उस स्कूल में मैंने चंदन का पौधा लगाया। तो अभी गाड़ी में मेरा चंदन का पौधा है, वो हम चंदन के पौधे भी लगाए। तो आपके यहाँ इस पौधा लगाने के बाद हम लोग वृक्षों पर रक्षाबंधन करें। वृक्षों पर रक्षाबंधन मतलब है कि बनो के हैं कई उपकार मिलते हैं।